बैठे बैठे को लाखों रुपया आता है, और जो नौकरी कर रहे होते हैं 5 साल 10 साल उनको सडनली नौकरी से हटा, कैसे सक्सेस हो सकते हैं ये इंडस्ट्री में? वो बच्चे को बड़े होते देखते ही नहीं है, जब घर से निकलते हैं तो बच्चा सोया है, घर पे आते हैं तो बच्चा सोया है। पैसा अगर आपके पास तो हर रोज दीपावली और हर रोज ईद है। हर आदमी चाहे वो आज नौकरी कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका सपना होता है, समझे आप लोग, उसका सपना होता है क्या? उसके पास एक शानदार घर हो, एक शानदार कार हो, बैंक बैलेंस हो, बच्चों को हायर एजुकेशन दे दिलाए, स्वास्थ्य अच्छा हो, टूर करे, है ना, घूमे फिरे, फैन फॉलोइंग, कि हमारे कुछ चाहने वाले लोग हों। हर आदमी चाहता है ना रिटायरमेंट, जब मैं रिटायर करूं तो हमारे पास पैसा हो। ये सुनो, ये हर आदमी का ड्रीम होता है, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, नौकरी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, उसका एक टारगेट होता है, उसका एक ड्रीम होता है कि हमारे पास ये सब कुछ हो। कार, कार लेने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए ठीक ठाक कार लेने के लिए? गौतम जी कितना कार लिया आपने? कम से कम 15 से 20 लाख में अच्छी कार मिलेगी आपको, ठीक ठाक कार। मिनिमम मेरे पास जो कार है वो 25 लाख की है, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूं कम से कम 15 से 20 लाख की कार, अच्छी कार मिलेगी। दूसरा डीम्स की बात करते हैं, घर कम से कम 40 से 50 लाख रुपया आपके पास चाहिए तो अच्छा घर मिलेगा, सहमत है आप लोग? सहमत है तो बोलिए यस, सहमत है? कम से कम 40 से 50 लाख रुपया अगर आपके पास होगी तभी आप अच्छा घर ले पाएंगे। बैंक बैलेंस, इमरजेंसी फंड, घर में कोई बीमार पड़ गया, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, आप खुद बीमार पड़ सकते हैं, वाइफ बीमार पड़ सकती है, माताजी बीमार पड़ सकते हैं, कोई भी, इमरजेंसी फंड कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 10 लाख। हायर एजुकेशन, आज आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, किसको? बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मिनिमम, ये मिनिमम लिखा है, मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, नहीं तो वो भी भटकेगा। आप अगर उसको आपने हायर एजुकेशन नहीं दिया, अच्छे बिजनेस में सेट नहीं किया तो क्या करेगा वो भी भटकेगा। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य आपके पास हो, गुड हेल्थ, उसके लिए एक बैकअप, टूर्स, घूमना, कम से कम 10 लाख पूरे जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं, पूरा जिंदगी में कम से कम 10 लाख का चाहिए कि नहीं फंड। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कितना, कितना, कम से कम 30 लाख रुपए, हालांकि आज का 30 लाख आने वाले 20 साल बाद 5 लाख के बराबर होगा, मानते हैं आप लोग? ये बहुत मामूली लिखा हुआ है 30 लाख, लेकिन फिर भी इसी पे आप कैलकुलेट करिए। मैं कुछ कैलकुलेशन दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, कितने ऐसे लोग इस मीटिंग हॉल में हैं जिनकी इनकम 30,000 या उसके आसपास है, IMC में गौतम जी हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी लोग जिनकी इनकम 30,000 या उससे ज़्यादा होती है, अब आप कैलकुलेशन पे ध्यान से देखिए कि अगर 12 महीना इनको 30,000 रुपये का महीना मिलता है तो एक साल की इनकम कितनी आती है, कितनी? आप लोगों का मैथ बहुत कमजोर है क्या? हाँ तो बोलिए कितनी? 30 वर्किंग ईयर्स मानते हैं कि पूरी जिंदगी में हम 30 साल कितना दिन काम करते हैं, वो भी तब जब आपकी नौकरी 30 साल में लग जाए। ज्यादातर लोग 32 35 40 के आसपास में अच्छे जॉब में जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं रहता उसके पहले तो मिलता नहीं अच्छी जॉब। अब आप देखिए कि पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमाते हैं, ये आज के हिसाब से लगभग 1,08,00,000 रुपया, कितना पूरी जिंदगी में आप 1,08,00,000 रुपया कमाते हैं नौकरी से, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, 60 साल के बुढ़े हो जाएंगे, उसके बाद दौरा नहीं जाएगा, उसके बाद चला नहीं जाएगा, आप एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, है ना, कुछ मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी की कमाई 1,08,00,000 रुपया, ये तो कैलकुलेशन है। सबसे मजे की बात यह है कितने ऐसे लोगों को महीने का 30,000 रुपया आता है, कितने लोगों को? बहुत लिमिट, मेरा मानना है बहुत ही लिमिट लोग ऐसे हैं, 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब अगर छोड़ दूं, जो महीने का 30,000 कमाते हैं, अगर कमाते भी हैं तो पूरी जिंदगी में कितना कमाते हैं ये देख लीजिए, क्या करें कि आजीवन लाखों रुपया आए,
क्योंकि नौकरी का तो देख लिया आपने क्या हाल है। अब आपका एक सवाल होगा कि सर 30,000 जो मेरा सैलरी है वो तो बढ़ेगा भी, बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। आज जो आपने जैकेट पहना है हो सकता है वो 2,000 रुपये का होगा, लेकिन वही जैकेट 5 साल बाद 4,000 रुपये की मिलेगी। आज आपने जो जूता पहना हुआ है हो सकता है 2,000 रुपये की होगी, लेकिन 5 साल बाद उसका कीमत हो जाएगा 4,000, होगा कि नहीं। तो आपकी जो सैलरी बढ़ेगी तो मार्केट की महंगाई भी बढ़ेगी। हमको ये भी समझना है क्या करें कि आजीवन लाखों रुपया आए। देखियो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए ये बहुत ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें किस लेवल का मेहनत करना चाहिए। एक तरफ पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं और दूसरी तरफ आपको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर आपने इस पे काम कर लिया तो कुछ भी संभव है। तब आपको ये लगेगा कि ये काम बहुत आसान है, बहुत आसान। एक बार मेरे पास एक आदमी आया, बोला कि सर आपकी इनकम तो कुछ कम गई होगी क्योंकि रिसेशन है, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी है। मैंने बोला कम गया फिर भी 6 लाख रुपया है, इनकम घट गया है तो 6 लाख है। और मजा तब आएगा जब अभी कोरोना आएगा तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल वैल्यू क्या है। जब लॉकडाउन लग जाता है बैठे बैठे भी नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर को लाखों रुपया आता है और जो नौकरी कर रहे होते हैं 5 साल 10 साल उनको सडनली नौकरी से हटा दिया जाता है। तो आपका खुद का व्यवसाय, आपका खुद का बिजनेस कैसा होना चाहिए तब समझ में आता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तब समझ में आता है। लॉकडाउन लगा नहीं है कहीं हिंदुस्तान में, लॉकडाउन लगा नहीं है अभी आज के डेट में, खाली अनाउंस हुआ है कि सावधानी बरतनी चाहिए। इस नाम पे पिछले 3 दिन से 3 दिन में लगभग 16,000 अच्छी कंपनियों ने एम्प्लॉय को हटा दिया, 16,000 एज पर डाटा लोगों को हटा दिया गया है। पूरे देश दुनिया में नाम हो और सम्मान हो, क्या ऐसा काम करे कि लाखों की इनकम हो, नाम हो, सम्मान हो। किसी कारण अगर आप किसी महीना काम भी ना कर पाए फिर भी पैसा है, आपने कोई भी नौकरी 10 साल भी कर लिया है बॉस, उसके बाद आपने सडनली 2-3 महीना जाना छोड़ दिया, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इनफैक्ट हटा देगा आपको नौकरी से, हटा दिया जाएगा कि आपने अपने जॉब को कंटिन्यू क्यों नहीं किया, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। काम अपनी मर्जी से करें, अपनी मर्जी से। ऐसा कौन सा बिजनेस है मेरे भाई, आपको एक बात खाली समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें और मैं क्यों करता हूं आपको आज समझाता हूं। नेक्स्ट, जितना मर्जी परिवार को समय दे सके, कुछ लोगों के पास पैसा भी है टाइम ही नहीं है, सुबह सो के उठेगा, एक सिस्टम बना हुआ 8-9 बजे दुकान पे जाएगा, रात को 10 बजे आएगा, वो बच्चे को बड़े होते देखते ही नहीं है, जब घर से निकलते हैं तो बच्चा सोया है, घर पे आते हैं तो बच्चा सोया है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा दरवाजा खोलता है और अपने बाप को ही बोलता है पापा आप कौन है, देखा ही नहीं कभी, तो बोल ही देगा ना। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने फैमिली के साथ घूमिए, एंजॉय करिए, टाइम दीजिए, स्पेंड करिए, बहुत सारी चीजें हैं जो। नेक्स्ट, जल्द से जल्द सपनों को कैसे पूरा करें। एक बार ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको जो कैलकुलेशन दिखाया पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमा सकते हैं, 1 करोड़ 10 लाख, पूरी जिंदगी में 1 करोड़ 10 लाख मान लेते हैं, क्या करें कि बहुत तेजी से रॉकेट के स्पीड में आप उस 1 करोड़ को मात्र आने वाले 2-3 साल के अंदर कवर कर सकते हैं, मात्र 2-3 साल के अंदर। जो मैंने किया है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई किताब की कहानी नहीं बता रहा हूं, जो मैंने किया है प्रैक्टिकली अपने लाइफ में और मेरे साथ कई ऐसे लोगों ने किया है, मैं आपको आज वो बता रहा हूं। ड्रीम्स, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, क्योंकि आपका सपना है आपके पास अच्छा घर हो, क्योंकि आपका सपना आपके पास अच्छी कार हो, क्योंकि आपका सपना है कि बच्चों को हायर एजुकेशन दे, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है। जिंदगी के मजे लें, है ना, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट नहीं हो। नेटवर्क मार्केटिंग में जब मर्जी आप आज से 3-5 साल पूरी ताकत से झोंकिए और रिटायरमेंट ले लीजिए, अपने हिसाब से काम करिए, महीने का 6 दिन, महीने के 10 दिन, महीने के 15 दिन, लेकिन एक टीम सेट करके, एक टीम को सेट करके, आज उस पर भी मैं बात करने वाला हूं, अगर आपने कर लिया तो रिटायरमेंट ले सकते हैं। सफलता के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से अगले 2-3 वर्षों के लिए तैयार करना पड़ेगा। देखिए, आपको नेगेटिव करने वाले लोग बहुत है मार्केट में, बहुत पड़ोसी है, कई ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे, है ना, कई ऐसे लीडर मिल जाएंगे,
है ना, बहुत ऐसे लोग मार्केट में मिलेंगे मार्केटिंग वाले, अरे तू अभी करने चला है, मैं 10 साल करके बैठ चुका हूँ, तू अभी आईएमसी शुरू किया है, मैंने 5 साल करके छोड़ दिया। नेगेटिव करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव आप और अच्छे रास्ते पर ले जाने वाले सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिव अपलाइन ही होता है। और यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं कि हम हमारे अपलाइन की बातों को नहीं सुन के बाकी लोगों की बातों को सुनते हैं। जो असफल है, जो आपको गाइड कर रहा है, उससे पूछे तुम्हारा इनकम क्या है महीने का, तो आपको समझ में आएगा। और आप उससे गाइड हो रहे हैं, हम उससे गाइड अगर हो रहे हैं तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। जैसे शादी पार्टी जन्मदिन गर्मी ठंडी बारिश बहाना बनाने से बचना होगा, ये इंडस्ट्री में सफलता के लिए इस सब चीजों से बचना पड़ेगा। जैसे आज पार्टी है ना, क्या चीज का पार्टी, हाँ पर्व है, मेरी क्रिसमस ये वो पार्टी। अरे मेरा तो खुद ही मैंने मेरा 5 साल 6 साल बर्थडे नहीं मनाया घर में जब से आईएमसी ज्वाइन किया हूं। क्या फर्क पड़ता है यार, रोज बर्थडे ही है, रोज जब मर्जी बर्थडे मना लीजिए, लाइए केक काटिए लाइए मना लेते हैं बर्थडे, क्या फर्क पड़ता है। पैसा अगर आपके पास तो हर रोज दीपावली और हर रोज ईद है, और अगर पैसा नहीं है तो ईद के दिन में मुंह लटका के घर में बैठे रहिए। ये सब सहमत है कि नहीं? हर रात दीपावली और हर दिन ईद है।